हरे कृष्णा राधे राधे, वेलकम टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। आज का हमारा ये वीडियो भी निर्जला एकादशी व्रत पर ही आधारित है। इसको लेकर सभी के मन में इतने सवाल हैं, इतने भ्रम हैं, इसीलिए आज की वीडियो में हम सभी सवालों का उत्तर जानेंगे। सबसे पहला सवाल जो निर्जला एकादशी के बारे में है वो ये कि क्या निर्जला एकादशी से एकादशी व्रत को शुरू कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का महत्व सभी एकादशियों में अधिक माना गया है। वैसे तो सभी एकादशियों का अपना एक अलग महत्व है, लेकिन निर्जला एकादशी का महत्व सभी एकादशियों में ज्यादा माना गया है, इसीलिए निर्जला एकादशी से एकादशी व्रत को शुरू किया जा सकता है। दूसरा सवाल है कि क्या लड़कियां इस व्रत को कर सकती हैं? हाँ जी, ये बिल्कुल कर सकती हैं। एकादशी व्रत को लेकर लोगों में एक भ्रम है कि इस व्रत को केवल विधवाओं को करना चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को और भगवान राम को अति प्रिय माना गया है। अतः जो कोई भी भगवान से प्रेम करते हैं या उनकी कृपा दृष्टि पाने के इच्छुक हैं, वो एकादशी का व्रत कर सकते हैं, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो। अब यहाँ पर एक और भी प्रश्न आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अनमैरिड लड़कियों को ये व्रत नहीं करना चाहिए, तो क्या वो लोग गलत कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि एकादशी का व्रत अगर शुरू कर लिया जाए तो जब तक इसका उद्यापन न कर दिया जाए इसे छोड़ा नहीं जाता, चाहे कोई भी परिस्थिति रही, कहीं जाना हो, शादी हो, पार्टी हो या कोई भी समस्या हो, व्रत नहीं छोड़ना है। अब ऐसे में ये सोचकर मना किया जाता है कि पता नहीं शादी के बाद ससुराल किन रीति रिवाजों को मानने वाली मिले, क्या पता वहां पर व्रत ना रख सकें तो ये व्रत भंग हो जाएगा, और इसके पीछे कोई कारण नहीं है। एकादशी व्रत को कोई भी कर सकता है। निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ा एक और सवाल है कि क्या निर्जला एकादशी व्रत में कुल्ला, आचमन या आदि कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कर सकते हैं। कुल्ला या आचमन का दोष निर्जला एकादशी में नहीं लगता। अब किसी ने मुझसे पूछा कि अगर हम निर्जला एकादशी का व्रत निर्जला निराहारी रख रहे हैं तो क्या कान्हा जी को भी हमें जल का भोग नहीं लगाना है, उनको भी पानी का भोग नहीं लगाना है? तो मैंने कहा लगाना है, बिल्कुल लगाना है। जल का, दूध का, जूस का, फल का या किसी भी फलाहारी भोजन का भोग कान्हा जी को आप लगा सकते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि जब हम अन्य एकादशियों में, दूसरी एकादशियों में कान्हा जी को अन्न का भोग नहीं लगाते हैं तो निर्जला एकादशी पर जल का भोग कैसे लगा सकते हैं? एकादशी पर कान्हा जी को अन्न का भोग इसलिए नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कान्हा जी व्रत करते हैं। माना जाता है कि एकादशी के दिन संसार के सारे पाप और दोष अन्न के भीतर वास करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी के दिन किसी को भी अन्न नहीं खाना चाहिए, चाहे व्रत रखा हो या ना रखा हो, अन्न नहीं खाना चाहिए। इसी के कारण एकादशी को कान्हा जी को भी फलाहारी भोजन का ही भोग लगाया जाता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि एकादशी 15 दिन में एक बार आती है और यदि 15 दिन में एक दिन अन्न का त्याग कर दिया जाए तो इससे पाचन तंत्र भी ठीक होता है और शरीर की प्राण शक्ति बढ़ती है। अगला सवाल है कि निर्जला एकादशी को क्या सूर्योदय से पहले जल पी सकते हैं? जी हाँ, पी सकते हैं। सूर्योदय से पहले, सूरज उगने से पहले पानी पिया जा सकता है। एक और सवाल, निर्जला एकादशी का पारण कैसे किया जाए, किस चीज से किया जाए? निर्जला एकादशी व्रत का पारण जल के साथ, पानी के साथ तुलसी के पत्तों से किया जाता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पत्ते दांतों से नहीं चबाए जाते, पानी के साथ उन्हें सीधा ही निगला जाता है। तुलसी के पत्तों को अगर दांतों से चबाया जाए तो दांत खराब हो जाते हैं। एकादशी व्रत से जुड़ा अब एक अंतिम प्रश्न उन लोगों का जो किसी कारण से व्रत नहीं कर पा रहे हैं,
या उनके घर परिवार के लोग उन्हें व्रत करने से मना कर रहे हैं। कुछ लोगों की तो तबीयत खराब रहती है या व्रत रखने से तबीयत खराब हो जाती है। कुछ उम्र में छोटे हैं। ऐसे ही अनेकों कारण हैं जिसके कारण कभी कभी घर के लोग व्रत करने से रोकते हैं, मना करते हैं। ऐसे में दुखी होने की या नाराज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। व्रत रखने का मतलब है अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाना। केवल खाना बंद करने का मतलब व्रत करना नहीं होता है। भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाना, किसी पर गुस्सा ना करना, झगड़ा नहीं करना, कलेश नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, चुगली नहीं करना, केवल खाने पर नहीं अपने मन पर नियंत्रण रखना ही भगवान का सच्चा व्रत है। तो अगर आप किसी कारण से व्रत नहीं कर पा रहे हैं या आपको कोई मना कर रहा है, तो आप एकादशी के दिन भगवान के मंत्रों का जाप करें, गोपाल सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री हरि का कीर्तन करें। इससे भी भगवान उतने ही प्रसन्न होंगे जितना कि व्रत करने से होते हैं। चलिए इससे जुड़ी एक कहानी भी सुनते हैं। एक बार की बात है, दो मित्र थे। दोनों भगवान को बहुत मानते थे, लेकिन दोनों को भगवान के मानने का ढंग अलग अलग था। रामू भगवान की पूजा को ही उनकी भक्ति मानता था। रोज मंदिर जाता, भगवान को स्नान कराता, पूजा करता, व्रत करता, कीर्तन करता, जागरण करता, सब कुछ करता, लेकिन भोला भोला कुछ नहीं करता। रोज केवल सवा शेर का हलवा बनाता, भगवान को भोग लगाता, खुद भी खाता और प्रसाद गरीब और जरूरतमंदों में बांट देता। असहायों की सेवा को ही वह भगवान की भक्ति को मानता था। रामू वैसे तो भोला का मित्र था, लेकिन भोला की भक्ति का ये रूप उसे कुछ समझ नहीं आता था। वो उसे समझाता कि भगवान ऐसे खुश नहीं होते, उन्हें प्रसन्न करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, कठोर तपस्या। लेकिन भोला तो अपने ही धुन में मस्त रहता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो ही गया। रामू ने कहा, मैं भगवान का भक्त हूं, तुम तो ढोंगी हो, खुद ही बनाते हो, खुद ही खा लेते हो। भोला ने कहा, मानव की सेवा ही भगवान की सेवा है और मैं वही करता हूं। अब दोनों में झगड़ा बढ़ने लगा। दोनों ही भगवान के परम भक्त थे और भगवान को अपना हर भक्त प्यारा है। इसीलिए उन्होंने नारद जी से कहा कि आप इनका झगड़ा निपटा कर आइए। नारद जी एक साधारण व्यक्ति का रूप बनाकर आए और बोले, क्या हुआ भाई, झगड़ क्यों रहे हो? कुछ समस्या है तो मुझे बताओ, शायद मैं समाधान कर सकूं। दोनों ने नारद जी को सारी बात बताई। नारद जी बोले, देखो भाई, मैं तुम्हारा समाधान कर सकता हूं, लेकिन कल करूंगा। और हाँ, कल तक मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। दोनों मान गए। शाम को नारद जी ने रामू और भोला से कहा, क्यों भाई, कल उत्सव में तो जा रहे हो ना? रामू बोला, कैसा उत्सव, और उत्सव है कहाँ? नारद जी बोले, तुम्हें नहीं पता, राजा ने महल में कल सुबह उत्सव रखा है और सबको बुलाया है। जो भी कल उत्सव में जाएगा उसे राजा मुंह मांगी वस्तु उपहार में देगा। नारद जी की बात सुनकर दोनों मित्र सोच में पड़ गए। रामू सोचने लगा, कल उत्सव के लिए सुबह जल्दी निकलना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। इधर भोला ने सोचा, नहीं नहीं, मैं तो उत्सव में नहीं जा सकता। अगर मैं उत्सव में गया तो जो लोग मेरी राह देखते हैं प्रसाद के लिए, वो भूखे रह जाएंगे, मैं तो नहीं जाऊंगा। अगले दिन सुबह रामू ने जल्दी जल्दी सारी पूजा खत्म की, आधी अधूरी सी पूजा की, उसे डर था कि कहीं देर ना हो जाए। जल्दी जल्दी में भोग लगाना भी भूल गया और उत्सव के लिए निकल पड़ा। इधर भोला ने रोज की तरह सवासे हलवा बनाया और भगवान को भोग लगाया, फिर प्रसाद बांटने चला गया। दोपहर में रामू, भोला और नारद जी फिर मिले, पूछने लगे कि आपने कहा था कि कल बताएंगे कि कौन बड़ा भक्त है, अब बताइए। नारद जी ने कहा, रामू, तुम पूजा पाठ तो करते हो, लेकिन भगवान की सच्ची भक्ति को तुम अभी तक जान ही नहीं पाए। तुम्हारे मन में अभी भी लालच बसा है।
याद करो, आज सुबह उत्सव में जाने की जल्दी में तुम पूजा भी अधूरी छोड़ गए और तुमने भोग भी नहीं लगाया। लेकिन भोला उत्सव में नहीं गया केवल इसीलिए कि जिन लोगों का पेट इसके बनाए प्रसाद से भरता है, जो रोज इसकी राह देखते हैं, कहीं वे भूखे न रह जाएं। भगवान की भक्ति भारी आडंबर से नहीं, जरूरतमंदों की सेवा में है। अब तुम ही कहो, क्या तुम भोला को अभी भी भगवान का भक्त नहीं मानते? इतना सुनकर रामू ने भोला से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।